आप में से शायद काफी सारे लोगों ने आइस एजेस मूवी देखी होगी या आइस एजेस के बारे में सुना होगा। धरती के इतिहास में काफी सारे आइस एजेस आए हैं और आखिरी आइस एज आज से कुछ 10,000 ईयर्स पहले आया था। आइस एजेस वो पीरियड होते हैं जब धरती का टेम्परेचर काफी गिर जाता है और पोलर आइस कैप्स काफी आगे तक बढ़ जाते हैं, यानी कि धरती के सरफेस का काफी बड़ा एरिया आइस से कवर्ड हो जाता है। लेकिन ये आइस एजेस आखिर आते क्यों हैं और क्या इनके आने के बीच में एक पैटर्न है? एक ऐसा पैटर्न है जो कि हमें काफी अच्छी तरीके से बता सकता है कि आखिर आइस एजेस कब होते हैं। इसे हम मिलैंकोविच साइकिल कहते हैं। इसका नाम मिल्यूटिन मिलैंकोविच के नाम पे पड़ा है जिन्होंने इस पैटर्न को ढूंढ निकाला था। इनकी थ्योरी धरती पर हजारों सालों में होने वाले क्लाइमेट चेंज को समझा सकती है और ये थ्योरी सिर्फ दो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। पहला ये कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आखिर कितनी गर्मी पड़ती है और दूसरा यह कि धरती पर जो सनलाइट हमें मिल रही है उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है। अब चलिए इन दोनों फैक्टर्स को थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं। आखिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाली गर्मी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? गर्मी की वजह से पोलर आइस कैप्स मेल्ट होते हैं और जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी पोलर आइस कैप्स के मेल्ट होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी दूर तक बर्फ जमी हुई हो तो यह बर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है और इसकी वजह से इनके मेल्ट होने की रेट काफ़ी कम हो जाती है। इससे एक लूप स्टार्ट हो जाती है। आइस तब फॉर्म होती है जब टेम्परेचर कम हो। ज्यादा आइस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है और इसकी वजह से टेम्परेचर कम बना रहता है और इसकी वजह से और भी ज्यादा आइस इकट्ठा होने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सदर्न हेमिस्फीयर में भी तो काफी ज्यादा आइस है, तो फिर हम सदर्न हेमिस्फीयर की गर्मी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वेल, तो ऐसा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सदर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले ज़्यादा आइस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड है और लैंड पर आइस ज़्यादा आसानी से जम सकती है। सॉयल की हीट कैपेसिटी वाटर के मुकाबले काफ़ी कम होती है और इसीलिए सॉयल का टेम्परेचर ज़्यादा इजिली चेंज हो पाता है। आप देखेंगे कि विंटर्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी ज़्यादा आइस इकट्ठा होती है, वहीं पे सदर्न हेमिस्फीयर में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। विंटर्स में आर्कटिक सर्कल में ऑलमोस्ट कंप्लीट डार्कनेस रहती है, वहाँ पे बहुत थोड़ी सी ही सनलाइट पहुँचती है और इसकी वजह से आर्कटिक सर्कल के अराउंड काफ़ी ज़्यादा आइस इकट्ठा होने लगती है और यही आइस समर्स के दौरान पिघलना शुरू होती है। अब कितनी आइस पिघलेगी और कितना आइस कैप पीछे की तरफ जाएगा यह सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर समर्स में कितनी ज़्यादा सनलाइट धरती को मिल रही है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हमें जितनी सनलाइट मिल रही होती है वह तो कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। मिलैंकोविच की थ्योरी के अकॉर्डिंग धरती को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में प्लस माइनस 15% तक सनलाइट मिल सकती है और यही आइस एजेस के होने और ख़त्म होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन आखिर धरती को जितनी सनलाइट मिल रही है वो चेंज कैसे हो सकती है? तो इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, धरती और सन के बीच का डिस्टेंस, यह कांस्टेंट नहीं होता, यह थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। और दूसरा, धरती की एक्सिस का टिल्ट। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर धरती पर पड़ने वाली सनलाइट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन ला सकते हैं। हमें लगता है कि धरती सन के अराउंड एक स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। धरती की ऑर्बिट सर्कुलर नहीं बल्कि इलिप्टिकल है। हर साल 4 जुलाई को हम सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर होते हैं और जैन 3 को सन से सबसे ज़्यादा करीब। और यह जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है धरती की सन के अराउंड, यह भी स्टेबल नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले बाकी प्लैनेट्स धरती की इस ऑर्बिट को ज़्यादा इलिप्टिकल या ज़्यादा सर्कुलर बनाते रहते हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में। धरती की ऑर्बिट में आ रही ये चेंजेस काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन छोटे होने के बावजूद
ये चेंजेस ये डिसाइड करते हैं कि आखिर धरती पर हमें कितनी सनलाइट मिल रही है। ऑन एन एवरेज जनवरी में हमें जुलाई के मुकाबले लगभग 6% ज़्यादा सनलाइट मिलती है। अभी हमारी धरती अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, लेकिन ये टिल्ट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। इनफैक्ट हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले बाकी ऑब्जेक्ट्स इस टिल्ट को चेंज करते रहते हैं। यह टिल्ट 41,000 ईयर्स में धीरे धीरे ऊपर से नीचे मूव होता रहता है। जब धरती का टिल्ट सन की तरफ होता है तो हमें ज़्यादा सनलाइट मिलती है, और वहीं इसके ऑपोजिट जब धरती का टिल्ट सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हमें कम सनलाइट मिलती है। धरती पर सीजन हमारी धरती के एक्सिस के टिल्ट की वजह से आते हैं, और सूरज से हमारी डिस्टेंस धरती के सीजन्स में आ रहे चेंज को मॉडरेट करता है। लेकिन ये दोनों फैक्टर्स मिलकर ये डिटरमिन करते हैं कि आखिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स के दौरान कितनी ज़्यादा सनलाइट मिल रही है या कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी जुलाई में हमारी धरती सन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर होती है, लेकिन जुलाई में धरती के एक्सिस का टिल्ट सन की तरफ होता है, और इसकी वजह से जुलाई में हमें ठंड महसूस नहीं होती बल्कि गर्मियाँ होती हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। आज से कुछ 13,000 ईयर्स पहले धरती का टिल्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में था, यानी कि जब धरती सन से सबसे ज़्यादा क्लोज होती थी तब धरती की एक्सिस सन की तरफ टिल्टेड होती थी, और जब धरती सन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होती थी तब धरती का टिल्ट सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता था। और इसकी वजह से जो सीजन्स हम धरती पर एक्सपीरियंस करते हैं वो काफ़ी एम्प्लीफाई हो जाते हैं। आज से 13,000 ईयर्स पहले समर्स में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी और विंटर्स में काफ़ी कम सनलाइट हमें धरती पर मिलती रही होगी, और इन्हीं एम्प्लीफाइड सीजन्स की वजह से धरती पर आइस एजेस आते हैं। अगर जब धरती सन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है उस समय धरती के एक्सिस का टिल्ट सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो विंटर्स काफ़ी ज़्यादा सिवियर होंगे। सिवियर विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा आइस फॉर्म होगी और यह आइस ईजिली मेल्ट नहीं होगी, और इसी सीवियर विंटर और एक्सटेंडेड आइस कैप्स की वजह से धरती पर आइस एजेस आते हैं। साइंटिस्ट ने आइस शेल्फ में डिग करके धरती के क्लाइमेट में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में आए चेंज को स्टडी और रिकॉर्ड किया है, और इन्हीं की स्टडी से हमें पता चला कि आखिर आइस एजेस क्यों और कब आते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।